मौजूद दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मौजूद दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम घर के नक्शा किस तरह से बनाते हैं ये सीख रहे हैं। इससे पहले जो है तीन ट्यूटोरियल गुजर चुके हैं जिनके अंदर मैं आपको घर का नक्शा बनाना सिखा चुका हूं। तो यहां पर देखिए, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये जो है इससे पहली तीन वीडियोज़ उनके अंदर इनको मैंने कवर किया था। मैंने आपको डिटेल से तमाम बातें बता दी थी। अब जो है इस वीडियो के अंदर मैं इससे नेक्स्ट बातें बताऊंगा, लेकिन अगर आपने वो पहली वीडियोस नहीं देखी तो बराए मेहरबानी वो वीडियोस देख लीजिए। छोटी छोटी सी हैं, इतनी लंबी नहीं है, ताकि आपको जो है घर का नक्शा बनाने के हवाले से मुकम्मल मालूमात हो सकें। तो ये जो आप वर्चुअल विज़र्ड देख रहे हैं, 3D विज़र्ड देख रहे हैं, दरअसल एक्चुअली ये मैप है, इसका ये नीचे विज़र्ड आ रहा है। तो हम इस वीडियो के अंदर ये कवर करेंगे कि हम घर का जब नक्शा प्रिंट करके अपने मिस्त्री को, ठेकेदार को, इंजीनियर को देना है तो हम किस तरह से उसको प्रिंट करें। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से आप देंगे तो देखिए यहाँ पर रकबा लिखा हुआ है, बट और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। वो किस तरह से उसको पता चलेगा इसकी लंबाई चढ़ाई का, स्क्वायर फीट का तो पता चल गया, लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी ये नहीं उसको पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्रिएट डायमेंशन टूल है, हमेशा ये टूल है, इसको आप एक कॉर्नर से, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये समझ लें फीता ही है। अगर आप इसको यहाँ पर रख कर इसको एंड के ऊपर लेकर जाते हो तो ये आपको बता देता है कि 25 है। आप देखिए 25 ही चल रहा है ना, इसको जहाँ पर जाकर मैं क्लिक करूँगा उधर ये 25 लिख देगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर एंड पर जाता हूँ तो इसकी लंबाई चढ़ाई मुझे बता देगा। ये देखिए इसने मुझे बता दिया है कि भाई इसकी लंबाई चढ़ाई 50 है। अब मैं जहाँ पर जितनी दूर जाकर मर्ज़ी क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पर 50 लिख देगा। इस तरह ही आपने एक दीवार पर क्लिक करिए, फिर दूसरी पर क्लिक कर दीजिए, साइड पर जहाँ पर आपको मुनासिब जगह लगे वहाँ पर आप लिख दीजिए भाई इसकी लंबाई इतनी होगी, इतनी इसकी चौड़ाई इतनी होगी। यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक करके फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ से इस दीवार तक इतनी लंबाई होगी। यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, इस दीवार को क्लिक करके इस दीवार को क्लिक कर देता हूँ तो सब कुछ ही मुझे बताता जा रहा है। ये देख रहे हैं कि भाई इतनी लंबाई होगी, इतनी चढ़ाई होगी। अब जब मिस्त्री को मैं दूंगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको एक मिनट में वो समझ जाएगा हर चीज़ की। एक दीवार से दूसरी दीवार तक आपने क्लिक करते रहना है, इस दीवार से इस दीवार तक आपने कोई भी जो लंबाई चढ़ाई छोड़नी नहीं है, ताकि फिर बाद में उसको अंदाज़ा हो सके कि यार ये इतना इतना एरिया इसके अंदर रकबा बनता है। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं चूँकि बहुत जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि किसी एक ही लंबाई चढ़ी इंचों के अंदर थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि मुझे ये ख़तरा है कि मैं आपका टाइम ना ज़ाया कर दूँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। तो ये देखिए अब ये जो है इसकी तमाम चीज़ें होगी, बट जब आप देंगे ना उसको प्रिंटिंग वाले को, मतलब मिस्त्री मजदूर को, फिर ये बेडरूम जो है ये जो चीज़ें हैं दरमियान से सारी उठा दीजिएगा। ये वाले ये कुक वगैरह ओवन वगैरह नहीं दरमियान में पड़े होने चाहिए, सब कुछ आपने यहाँ से उठाकर सिर्फ जो है लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ ही होनी चाहिए। अब देखिए अब कुछ भी नहीं, दरवाजे ज़रूर होने चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ, बट बाकी सब कुछ उठा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, जब आपने लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ सब कुछ दे दिया, आपने फाइल के अंदर जाकर प्रिंट टू PDF आपने कर देना, और आप कुछ भी इसका नाम देकर डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देंगे तो कुछ ही देर के अंदर जो है ये आपका नक्शा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बताया गया कितनी डोर, कितनी खिड़कियाँ, सब कुछ की डिटेल। अभी इतने डोर है, उसकी लंबाई इतनी, इतनी खिड़कियाँ, उसके नीचे आप जाएंगे तो ये है आपका मेन नक्शा जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, सब कुछ की लंबाई चौड़ाई जो है दी हुई है। मिस्त्री का उम्मीद है समझ जाएगा। अब ये देखिए थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी होनी नहीं चाहिए थी, बट मैंने जल्दी की है बहुत ज़्यादा आपको जल्दी से बताने के लिए, तो इसलिए हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको घर का नक्शा बनाने के हवाले से समझ आ गई होगी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हैं 100 के करीब घरों के नक्शे दिए हुए हैं, आप वो नक्शे डाउनलोड करके उनका भी मुतालिया कीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी, एक आइडिया आएगा। मुख्तलिफ नक्शे हैं, वो हाई सोसाइटीज़ के नक्शे हैं, अच्छे इंजीनियर्स के बने हुए हैं, तो वो भी समझ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप माजिद गुराया यूट्यूब चैनल को देखने का। इसके अलावा 3D स्वीट होम जो है ये भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, अगर एंड पर आप हमें लाइक दे दें तो आपकी नवाजिश है। अल्लाह हाफिज़।